किस उम्र पे आपने शुरू की, कौन आपके उस्ताद रहे? नेशनल टीम में आया, नेशनल की ट्रेनिंग एक अच्छी चल रही है हमारी। अगला टारगेट, अगला मुकाबला 20 पॉइंट्स हमें मिलते हैं G2 के गोल्ड लेने के बाद। हमें फंड्स की जरूरत है, हमारे पास ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गोल्ड मेडल का सफर कैसा था, मतलब किस उम्र पे आपने शुरू की थी, कौन आपकी इंस्पिरेशन रहे, कौन आपके उस्ताद रहे, किसने आपको सपोर्ट किया, कोई स्पॉन्सर मिला कि नहीं मिला, बताइए थोड़ा। जी सर बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था क्लब लेवल से, जो मेरे बेसिक टीचर है डॉक्टर ईसा काकड़ साहब, तो उनके बाद फिर मैं जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते खेलते फिर मैं नेशनल टीम में आया। नेशनल टीम में सिलेक्शन हुई, यहाँ पे हमारे कोचेज है सर आसिफ मैडम नाजिया सर अनीफ, और फिर जो है ना इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ हमें खिदमत हासिल हो। पाकिस्तान टेक्वांडो फेडरेशन की काफ़ी जो है ना सपोर्ट थी हमारे साथ, तो उसके बाद हमें ईरानी मास्टर प्रोवाइड किया गया पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेनिंग एक अच्छी चल रही है हमारी, और कॉम्बैक स्पोर्ट्स जो है वो हमारे जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो उस हवाले से भी काफ़ी एक अच्छा जो है ना हमें खेलने को मजीद जो है ना मिल रहा है, तो इससे एक बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मैं अपने मुल्क के लिए और भी ऐसे एजाज इससे बड़े एजाज हासिल कर सकता हूँ। अगली फाइट, अगला टारगेट, अगला मुकाबला शाहजेब क्या है? जी सर बिल्कुल, मैं आपको बताता चलो, इस टाइम मेरी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो है इस मेडल लेने के बाद 20 पॉइंट्स हमें मिलते हैं G2 के गोल्ड लेने के बाद, तो इसमें मैं अंडर जो है ना टॉप 10 में आ जाऊंगा। वाह। और जो मेरी ओलंपिक रैंकिंग है वो आ जाएगी टॉप 20 में। जो ओलंपिक में क्वालिफाई करते हैं वो टॉप जो है ना जो ओलंपिक रैंकिंग होती है टॉप 5 वो क्वालिफाई करते, तो सर मुझे जो है ना मजीद जैसे कॉम्बैक स्पोर्ट्स हमें सपोर्ट कर रही है, तो मैं चाहता हूँ मुझे फंड्स की मतलब हमें फंड्स की ज़रूरत है, हमारे पास ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि खेलना चाहते हैं और मजीद लेवल पर जा सकते हैं, हमारे फेडरेशन के पास फंड इतने नहीं है, जाहिर है जितना कर सकती हमारे लिए, तो ये है कि मैं अगर टॉप 5 में आता हूँ इवेंट्स खेल खेल के इंशाल्लाह और ट्रेनिंग कैंप्स करके, तो ये एक बहुत ही एजाज की बात होगी कि मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूंगा पाकिस्तान की तरफ से और इंशाल्लाह टाइटल लाऊंगा अपने मुल्क के लिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।